मतगणना को संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि मतगणना करवाने के लिए हर विधानसभा में 14 टेबल लगाया जाएगा और ईवीएम व पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 2 टेबल को लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर टेबल पर 4 मतगणना कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी तथा NIC के सॉफ्टवेयर से रेंडमाइज करके कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है जिनका प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। इसी तरह RO/ARO टेबल पर प्रेक्षक की मौजूदगी में माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम से टेबल तक लाने के लिए भी कर्मचारियों को लगाया गया है, जिसके लिए उन सभी कर्मचारियों को पास दिया गया है तथा यह मतगणना प्रेक्षकों की मौजूदगी में CCTV की निगरानी में संपन्न होगा तथा मतगणना हॉल में कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा, जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अभी मतगणना के लिए यहाँ सभी काउंटिंग टेबल्स पे प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल्स ईवीएम काउंटिंग के लिए, पोस्टल बैलेट्स की गणना के लिए न्यूनतम 2 टेबल्स, ETBVS जो इलेक्ट्रॉनिक वो पोस्टल बैलेट्स आते हैं उसके लिए भी टेबल लगाए जा रहे हैं और प्रत्येक टेबल पे 4 मतगणना स्टाफ माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में NIC के सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडमाइज करके तैनात किया जाता है, उनका प्रशिक्षण भी पूर्ण हो गया है। और इसी तरह हमारे RO/ARO टेबल पे प्रेक्षकगण के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती और सभी सपोर्ट स्टाफ जो ईवीएम्स के स्ट्रांग रूम से लेके टेबल तक लाने के लिए भी स्टाफ लगता है, जिसके लिए सभी को पास इशू किया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है और सबको CCTV कैमरा के और वीडियोग्राफी के निगरानी में प्रेक्षकों के उपस्थिति में संपन्न किया जाएगा। सर मोबाइल की बात की जा रही है, मोबाइल क्या वहाँ पर मतगणना हॉल में किसी को भी, चाहे वो काउंटिंग एजेंट्स हो काउंटिंग पर्सन हो, किसी को भी मोबाइल फोन लेके जाना अनुमन्य नहीं है। ये सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।